प्रदेश के सभी चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज के शिक्षक वर्ग, मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर, फील्ड के स्वास्थ्य संस्थाओं के डॉक्टर सभी पे कमीशन विसंगतियों के विरोध में एकजुट हो गए हैं। सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गत दिनों सभी प्रदेश चिकित्सक संघ ने एक वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया था कि अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के शिक्षक चिकित्सक संघ, सभी रेजिडेंट डॉक्टर संघों ने भाग लिया था। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति का प्रारूप तैयार किया गया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश डेंटल मेडिकल ऑफिसर और हिमाचल प्रदेश वेटनरी चिकित्सक संघ को भी शामिल किया जाएगा। हमीरपुर में प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक में ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ की तरफ से जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है, उसके तहत इस वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां, जो कि चिकित्सकों के हितों के प्रति कुठाराघात है, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। चिकित्सक संघ ने सरकार से ये भी मांग की थी कि कोरोना की लहर का कहर पूरे प्रदेश में लोगों पर बरस रहा है, ऐसे में हमारे चिकित्सक कोविड-19 से लगातार दो दोहात कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि चिकित्सकों के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है और ये वर्तमान वेतन आयोग की सिफारिशों में भी देखने को मिल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण एक और भी है कि 2 साल पूरा कर चुके सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की अधिसूचना सभी विभागों को जारी कर दी गई है और लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आज दिन तक 2 साल पूरा कर चुके स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें चिकित्सक, नर्सेज, फील्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी रेगुलर नियुक्ति की आह देख रहे हैं, उन्हें आज तक इसका फायदा नहीं मिला है। वहीं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक शिक्षक वर्ग की तरक्की कई वर्षों से रुकी है। ऊपर से उनके घाव पर नमक छिड़कने के लिए मेडिकल कॉलेज में कमीशन की तरफ से सीधे एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को भर्ती करने का फरमान भी जारी कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत और अन्यायपूर्ण कदम है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विशेषज्ञ कई वर्षों से अपने पीजी अलाउंस को बढ़ाने की बात सरकार के आगे कर चुके हैं। वे कई वर्षों से महज 7,000 रुपया ही है। इसी तहत अब जब नए आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है, तो इसमें चिकित्सकों के हाथ में कोई भी नीति स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने सरकार को समय दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इन विसंगतियों को दूर किया जाए और चिकित्सकों के एनपीए को भी पहले की तर्ज पर 25% ही रहने दिया जाए। डॉक्टरों को 4-9-14 टाइम स्केल को भी लागू किया जाए और दूसरी मांगों को भी जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सही ढंग से गौर नहीं करती है, तो पंजाब के डॉक्टरों की तर्ज पर ही हिमाचल में डॉक्टर्स हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जो नए वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके अंदर जो है वो चिकित्सकों के जो हितों पे जो है वो कुठाराघात किया गया है और उसमें चिकित्सकों के साथ जो है वो दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है और इसके विरोध में प्रदेश के सभी चिकित्सक, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर एसोसिएशन हैं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हैं, इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश डेंटल मेडिकल अफसर एसोसिएशन है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वेटनरी मेडिकल अफसर एसोसिएशन है, तो ये सारी एसोसिएशनों ने मिल के जो है एक संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो बनाई है और उसकी बैठक 2 दिन पहले हो चुकी है और उसमें एक मत से सभी ने इस बात का विरोध किया कि हमारे एनपीए को 25% से घटा के 20% किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने तब हमें कहा था और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम भी पंजाब की तर्ज पर 20% करेंगे।
तो उन्होंने पंजाब की तर्ज पर इसको 20% किया, 20% एनपीए करा, लेकिन आगे जो उसकी अधिकतम बेसिक प्लस एनपीए की जो सीमा थी उसको भी 20,000 रुपये कम कर दिया पंजाब से भी। तो इसमें सभी का यही एक निर्णय था कि अगर आपने पंजाब की पे कमीशन की जो सिफारिशें अगर उनको लागू करना है तो उनको भी उसी ढंग से लागू करिए, आप पूरे तरीके से लागू करिए, ताकि उसमें भी तो कोई वो नहीं होना चाहिए भेदभाव, तो उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। और दूसरा, हमारे को वैसे ही आपने देखा कि डॉक्टर्स की प्रमोशन जो है वो बहुत कम होती है, और वैसे भी अगर जो हमारी प्रमोशनल पोस्ट है वो कई सालों से खाली पड़ी हैं, बीएमओ की पोस्ट है हमारी परिफरी में वो खाली पड़ी हैं। तो इसके लिए हमें जो था वो 4/9/14 का एक टाइम स्केल जो है वो दिया जाता था, और उससे चलो कम से कम डॉक्टर्स में एक ये तसल्ली रहती थी, चलो भाई प्रमोशन नहीं मिल रही तो कम से कम टाइम स्केल मिल रहा है, स्टेप अप मिल रहा है। लेकिन उसको भी इसमें जो है वो इस वाले नए वाले वेतन आयोग की सिफारिशों में उसको भी जो है वो बंद कर दिया गया। उसके साथ ही हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स की जो एंट्री लेवल है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों कमीशन के थ्रू पोस्ट निकाली गई और डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली गई, जो कि हमारे फैकल्टी मेंबर के साथ सीधा सीधा अन्याय है। जब सीधा ही कोई एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएगा तो जो बेचारा असिस्टेंट प्रोफेसर इतने सालों से इस प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहा है, सेवा कर रहा है यहाँ की, तो वो कहाँ, उसकी तरक्की कब होगी? तो ऐसे अन्यायपूर्ण तरीके थे जिनके खिलाफ जो है वो सभी ने मिलकर संघर्ष का बिगुल बजाया है। हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो कई वर्षों से कह रहे हैं कि हमारे को पीजी अलाउंस दिया जाए, और सरकार कहती है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, तो स्पेशलिस्टों को अगर रोकना है तो उनका पीजी अलाउंस तो बढ़ाना पड़ेगा ना। वर्षों से वो 20 वर्षों से 7,000 रुपये है, तो वो 7,000 रुपये में कौन सा विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो रुकेगा? तो हमने ये सरकार को पत्र भी लिख के दे दिया है, उसमें हमने समय सीमा भी तय करी है, हमने तो 7 दिन का समय दिया था हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ ने, लेकिन क्योंकि संयुक्त संघर्ष समिति उसके 2-3 दिन के बाद हमारी सारी बनी है, मिलकर सारे संघों ने आपस में बैठक करी है, तो अब हम जो है वो 1-2 दिन के अंदर सरकार को फिर से एक बार सूचित करने जा रहे हैं। और कोरोना की लहर है प्रदेश में, आपने देखा चिकित्सक दो दो हाथ कर रहे हैं, कोरोना से डटे हुए हैं, लेकिन सरकार हमें ये ब्लैकमेल करे कि नहीं कोरोना के बाद देखेंगे, तो अब जो चिकित्सकों का जो एक कहते हैं ना पानी सर से ऊपर अब बहने लग पड़ा है, तो अब हम जो है वो संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। और सबने ये फैसला किया है कि हम अगर हमें हड़ताल पे भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए बंद भी करेंगे, जैसे कि पंजाब में आपने देखा ही कि कैसे पंजाब के चिकित्सकों ने कितने दिनों तक बंद रखा, तो हम भी इससे कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार हमारे हितों पर कुठाराघात करेंगे तो कौन सहेगा। और अगर इसी दोयम दर्जे वाले व्यवहार की आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा। जैसे अभी आपने देखा 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयों को रेगुलर करने की अधिसूचना सरकार ने जारी करी, सभी विभागों में जारी हो गई है। एक स्वास्थ्य विभाग है जहाँ के डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे MPW जो है वो 2 साल पूरा कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वो नियुक्ति का, रेगुलर होने की नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, जबकि बाकी विभागों के लोग नियुक्त अपने मेडिकल भी हमने बनाया और हमारे से मेडिकल बना के वो बेचारे रेगुलर नियुक्त भी हो गए, लेकिन हमारे बंदे जो है वो राह देख रहे हैं कि कब ये ऐसी चीज है। तो ये ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे अब चिकित्सकों की जो सहन शक्ति है उसको अब वो उस सीमा को तोड़ रही है और पानी सर के ऊपर से बह रहा है।